चक्रवाती तूफान यास अब कमजोर होकर झारखंड के दक्षिण इलाकों में पहुंचा। झारखंड के कई इलाकों में तूफान के कारण हो रही है भारी वर्षा। अगले कुछ घंटों में तूफान यास के और कमजोर होने की उम्मीद। उड़ीसा और बंगाल में राहत व बचाव कार्य का काम लगातार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों से की बात। कोरोना संक्रमण के दौरान फ्रांस की ओर से मिली सहायता के लिए किया धन्यवाद। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। देश में टीकाकरण अभियान जारी। 131 दिनों के भीतर ही भारत ने दी 20 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके की खुराक। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में 283,135 लोगों ने कोरोना संक्रमण को दी मात। रिकवरी दर बढ़कर हुआ 90% से अधिक। एंटीगुआ के पीएम गेस्टन ब्राउन ने बताया, डोमिनिका में पकड़ा गया भगोड़ा मेहुल चौकसी। कहा, डोमिनिकन सरकार से मेहुल चौकसी को एंटीगुआ नहीं लौटाने का किया अनुरोध, सीधे भेज सकते हैं भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीन में कोविड 19 की वायरस की उत्पत्ति पर अगले 3 महीनों में रिपोर्ट पेश करने का दिया आदेश। माली में सियासी संकट और गहराया। अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिया इस्तीफा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा के साथ ही चुनी हुई सरकार की वापसी का किया आह्वान।